हाँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली दोस्त अहबाब, क्या हाल है। और उम्मीद करता हूँ आप दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाला है, और आप तमाम दोस्तों ने आज की इस व्लॉग को फुल वॉच करना है। थोड़ा सा बड़ा है वीडियो, लॉन्ग टाइम की हो चुकी है, और आपने इसको फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। रुला वाली हम आए हुए थे और मेरे कज़न की शादी थी, उसकी छोटी बड़ी जो थी ना, छोटे मोटे काम, छोटे मोटे चीज़ें, साथ साथ मैं वीडियो बनाता रहा हूँ, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुकी है। आप फुल वीडियो वॉच करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और वाकई वीडियो में अच्छी लग जाती है आपको, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्यारा से अंदाज में, प्यारे से अल्फाज में कमेंट शुरू कीजिएगा, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इंशाल्लाह इसको देखें, मज़ा आएगा आपको। अच्छा दोस्तों, अनस के काम देखें। अनस आया कबूतरों की जगह पे, कबूतर अंदर चले गए हैं खुड्डी में, देख रहे हो सामने गए बैठे हैं, और ये अपना मुंह साफ कर रहे हैं कबूतरों के पानी से। मुंह साफ कर रहे हैं, प्यास लगी है अनस, सही से बताओ अनस। ओए शहजादे अनस बेटा, पानी ना गिराना कबूतरों का। अनस बेटा पानी नहीं गिराना कबूतरों का, ठीक है। ये हैं जी मेरे कजनों के कबूतर, दो एक वैरायटियों के हैं, बहुत ही प्यारे जबरदस्त कबूतर हैं। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कबूतर, ये वाला कबूतर मुझे बहुत प्यारा लगता है। बेहतरीन चीज है साजे वाली ना। चलो सही है, सही है, साढ़े त्रास पसंद है मुझे ना, हैं तुम्हें जिदा कुछ अगली खास जिदा कि मैं शिदार शॉपिंग की है, हर हल कल पागरी खाने में देने। अच्छा वीवर, मैंने जो है ना सेज का पूरा सामान लिया था रुला वाली से आपके सामने, बल्कि आपको दिखाना भूल गया था कि हम कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। और अभी मैं सेज बना रहा हूँ, आधा मैंने काम कर लिया हुआ है, जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि साथ साथ काम चल रहा है। सिर्फ लेने वाली वीडियो नहीं दिखाई, शॉपिंग करने के दौरान जो छोटी मोटी थी वो दिखाई आप, लेकिन नहीं, ये जब पूरी बन जाएगी फिर आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी स्टार्ट किया, आधा काम हो चुका है, आधा काम। अरे दोस्तों, काम तकरीबन हो चुका है, सिर्फ एक लड़ी है इसको हर साइड से घुमाना है मैंने, ये काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने छत जो है ना, ये देखिए खाली पड़ी है, ये छत सेट करनी है, छत, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा, अभी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सुबह में इसको आपको क्लियर करके दिखाऊँगा जहाँ तक हो गई मेरी। Yeah।
अच्छा दोस्तों, ये मेरे कज़न की जो शादी थी, मैंने कल दिखाया था मुकम्मल सिस्टम। एक ही वीडियो चल रही है, जो मैंने वीडियो बनाई थी सारी सेज की, उसमें वॉइस ओवर कर दी है, समझा कि भाई ये तैयार हो रही है रोटी छोटी। ना मुझे कहना क्या खड़ा भाई, डूबिया एक मसाज खड़े किया। अच्छा, और मसाज है माशाल्लाह, मसाज जीवन वदे। हाँ जी दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी वाले घर में है और तकरीबन कोई 8:30-9 का टाइम हो रहा है। मेरा बेटा भी मेरे पास है, क्योंकि सुबह का मैंने उठाया नहीं, और अभी मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा चल यहाँ का शूट भी कर लेते हैं, तो वीडियो बना लेते हैं, आप इसको भी देखे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कमाल की है, और मैं ये पूरा व्लॉग एक ही वीडियो में डालूँगा, कोई कट पेस्ट नहीं होंगे। छोटी छोटी चीज़ें कट वगैरह बना रहा हूँ ना, एडिटिंग करके और तरतीब दे के उसको एक ही में अपलोड करूँगा, वो चाहे 10 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की हो। तो आप उसको फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, कमाल की वीडियो बनने जा रही है। हाँ बेटा, इसमें मेरी वो सेज बनाने की वीडियो भी शामिल है, इसमें देखें जो रोटी छोटी बन रही है वो भी शामिल है, और छोटी मोटी जो चीज़ें हमारी हैं यहाँ पे, जितना भी मतलब खुशी के हम थे हमारे सारे। हाँ, ज़्यादा मुझे बोल चाल नहीं आता, बोलना नहीं आता, बाद में ऐसा लफ्ज़ गलत भी हों तो उसको माइंड में लाए बगैर वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेमा है ब्लैक एंड वाइट, ये है ओ रेड और वाइट। आँखें कितनी प्यारी प्यारी इनकी, ये देखो दांत दिखो ली, गुस्सा कर ली, बनस पे गुस्सा कर ली, क्या कर ली ये गुस्सा कर ली, गुस्सा गुस्सा। आगे जान लंगल खाना तैयार हो रहा है सबके लिए, रोटी शोटी बना लें। ये देखो ये देखो दोस्तों, इतना का मुकम्मल इंतज़ाम है, मिसाला जात वगैरह बनाया जा रहा है, और वहाँ पर खाना वाना खिलाने की जगह बना रहे हैं, वो जहाँ पे तंबू आप लगा रहे हैं, कुर्सियाँ वगैरह टेबल शेबल वहाँ सेट करेंगे, और यहाँ मसाला जात बनाया जा रहा है, और यहाँ पे रोटी बन रही है। रात को ही यहाँ पर फंडर बना ली गई थी, मतलब हमारे यहाँ पे ना बड़े का गोश्त बनता होता स्पेशली शादी ब्याह पे, और यहाँ पर जो है ना आग जलाने का सिस्टम बनाया जा रहा है, यहाँ पे जलाएंगे, और ये बड़ा सा तवा पड़ा है, इसके ऊपर रोटी वगैरह बनाएंगे। टमाटर वगैरह की कटाई हो गई है, नींबू वगैरह की कटाई हो गई है, लीमू की, और धनिया की कटाई हो चुकी है, साले अदरक प्याज वगैरह वो दूसरा भी कट रही कर रहा है, एक ही दफ़े में यहाँ डालेंगे और बना लेंगे। ये देखो अनस वहाँ बैठा है, अकेला खेल रहा था, जब इसने देखा कि अब कोई नहीं देख रहा तो इसने मट्टी खाना स्टार्ट कर दी। मैंने इसको कहा कि मैं देख रहा हूँ, मट्टी नहीं खानी। ये देखो अनस के काम, मट्टी खा रहा है, करीब जाके दिखाता हूँ। कह रहे हो इधर देखो ऊपर, हाँ बस ठीक है, मट्टी नहीं खानी। मेरा बेटा अच्छा है, बात मान लेते बाबा की, है ना। देखो दोस्तों, अनस मट्टी खा तो मैंने मना किया, इसने मट्टी नहीं खाई, और खाई होती तो सारे मुंह पे लगा होता कि मट्टी, इसने खाई है अभी। अनस आज अनस की वीडियो शादी पे आके खाने पिलाने की, खाना पकाने की, हर चीज़ की मैं वीडियो शेयर करूँगा, आप तमाम दोस्त ज़रूर देखना, फुल वॉच करना, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। ओ देखो मैं भी आपकी तारीफ कर रहा था, फिर मट्टी खा रहे हो, ओ गंदा बच्चा, निकालो मट्टी नहीं खाते होते। वो देखो उसने मट्टी खा ली, कबूतर देख रहा है, मैं बड़ा कबूतर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अंदर चले गए कबूतर, कबूतर अंदर चले गए हैं, अब अंदर से इनकी वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को कबूतर भी दिखाता हूँ, कल भी दिखाए थे, आज भी दिखाता हूँ। कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बड़ा प्यारा परिंदा उनके लिए, कुछ मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, ये वाले
अब इनका नाम क्या है मुझे नहीं आता, पर मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये जोड़ी बैठी है, एक ये बैठा, एक ये बैठा, मुझे बहुत पसंद है ये। रोहन भी आ गया, अनस भी आ गया, वाह 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 वाह, दोनों मेरे शहजादे आ गए। यहाँ फुल देहाती माहौल है, जनावर, बकरियाँ और चिरिंद परिंद की प्यारी प्यारी हवाएँ, ठंडी ठंडी हवाएँ, प्यारा मौसम, कबूतर, हर चीज़ एक ही घर में है और बड़ा मज़ा आता है देखने का। यहाँ माहौल बड़ा आउट क्लास है। ये वीडियो तो कमाल की होने वाली है ना दोस्तों, ये आपने मिस नहीं करनी, फुल वॉच करें, इंजॉयमेंट करें। दोस्तों देखें यहाँ पे भाई आटा बना रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने चूल्हा शूल्हा सेट कर लिया, आग जला रही है, ये तवी सी है बहुत बड़ी सी, ये आग लगा रहे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर रोटी बनाएंगे, ये भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो चार पाँच, पाँच देखे बन गई हैं, चार बन रही हैं माशाल्लाह, और तंबू उन्होंने खड़ा कर दिया, चटाइयाँ वगैरह बिछा रहे हैं, कुर्सियाँ टेबल सेट करेंगे, और यहाँ पर फुल देहाती माहौल है साजी। यहाँ पर जो है ना नई हजरात आया हुआ है, जिसने बाल बनवाने होंगे, खत बनवाने होगी, वो यहाँ बैठ के बनवा लेगा। अब वो मेरे अबू बनवा रहे हैं, ये मेरे हैं छोटे मसाद जिनके यहाँ शादी पे आए हैं, और वो जो चार पाई पर बैठे हैं ये वाले, ये मेरे बड़े मसाद हैं, इनके बेटे की शादी है। चलो आपकी यहाँ की शूटिंग हो गई है, थोड़ी थोड़ी हम दिखाएंगे बारी बारी। ये देखो उस टाइम मैंने जूम करके दिखाया था, ये बैठे मेरे बड़े मसाज इनके बेटे की शादी है भैया, सारा खराब थी, ठीक है थोड़ा मैं रोटी पकड़ दिखे ना, रोटी पकता देखो किए भाई जान, रोटी पकड़े बैठे, ये देखो वाह भाई वाह, क्या बात है, रोटी टूट गई, जिन्हें जो आटा रस दस वाल चस करे सी, रोटी वड्डी थी तो पक्षी सही। देखो सी देखें किस तरीके से आग यहाँ पे जले जाती है, और इतनी तवी पे सेटिंग करके स्पेशल जो है ना रोटी पकाने को यहाँ बुलाया जाता है, रोटी पकाई जाती है हमारे गांव में। और ये देखें लंगर शंगर यहाँ जो बनाएंगे, सब कुछ तैयार हो रहा है एकदम, रोटी शोटी सब कुछ, उसके बाद फिर खिलाएंगे। वो पीछे तंबू का दिखाएंगे आपको अभी, बल्कि अभी दिखा देता हूँ मैं चल के ना, तो ये चीज़ें जो है ना आप देखें बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और ये हमारी टोटल बरादरी सराकी ज़बान है, और जहाँ पर सराकी बोलेंगे तो साहब मुझे सराकी में जवाब देना पड़ेगा, वीडियो मेरी सराकी और उर्दू में मिक्स होती है, तो ये आप लोगों को पहले मैंने बताया, अब इंशाल्लाह उर्दू में ज़्यादा सराकी में कम, लेकिन फिर भी मिक्सिंग रहेगी, उला के अंदर कभी उर्दू कभी सराकी, प्रॉपर एक चीज़ नहीं चलेगी, जबकि मैंने स्टार्टिंग जो उला की थी वो सराकी की थी। बोर चला हुआ जी प्लेटों वाला, सारा माहौल यहीं पे मौजूद है एक ही जगह पर, आज बड़ा वे पे नज़ारा, रोटी बन रही है साथ, बोर चला हुआ है, जिसने नहाना हो, जिसने खाना हो, जिसने पीना हो, सब इंजॉयमेंट, कमाल का माहौल, देहाती माहौल को साथ अपना ही मज़ा है। ये मेरे कज़नों का अपना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जो हर वही खेती बाड़ी करते हैं, शादी पे हम बड़ा भाई, ये मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, बड़ा भाई और मैं, और हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं साथ। ये आपको दिखाता हूँ करीब जाके, अभी सेटिंग हो रही है। उसका कितना टेबल हम बढ़ाया ना, बहु मत, अच्छा 100 कुर्सी, 10 टेबल दी है। ये देखो सी इधर रोटी खाने का इंतजाम कर रहे हैं भाई, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है ये माहौल ना माशाल्लाह। अभी कुछ ये रह गए भाई, कपड़ा शपड़ा लगा रहा है, चेयर सेट कर रही है, हाँ
अब आराम आराम से आ रहे हो, ऊपर देखो नहीं गिरती। एक टेबल पर सजी कितनी चेयर है? दो चार नहीं तीन छः चार दस, हाँ दस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी, और जो दोस्तों न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलेगा। एक थोड़ी सी देर भी नहीं लगती लाइक और कमेंट्स करने में, कमेंट्स नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, लाइक ज़रूर वीडियो क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अभी कंटिन्यू रहेगा, वीडियो बनाता रहूँगा। ये तकरीबन अगर 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनेगी या 20 मिनट की बनेगी तो मुकम्मल एक ही व्लॉग में डालूंगा, क्योंकि एक तो यादगार बन के रह जाएगी हमारी, और ये वीडियो भी पूरी की पूरी की कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। आप लोगों को देखने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये अमरूद का पौधा है, यहाँ पर पहले ना यहाँ पर बाग हुआ करता था अमरूद का, इस जगह पर सारा ख़त्म कर दिए, तो ये जो है ना किन्नू और अमरूद का था, तो यहाँ पर जो लाइन में है वो किन्नू और एक दो पौधे अमरूद के खड़े हैं, बाकी इन्होंने उड़ा दिए। ये देखें फल फूल लग रहा है अमरूद का, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है उस्ताद। पानी उस्ताद जी कम आ रहा है, मेरे ख्याल से प्लेटें साफ हुई नहीं है और इसलिए ये पैंप भर भर के नहीं आ रहा, प्लेटें छत पे पड़ी हैं यहाँ पे। देखो के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए चीज़ को चलाया हुआ है, चलता रहेगा फ्री में, मुफ्त में चलता रहेगा मज़े से, क्योंकि इसका खर्चा नहीं है, सिर्फ प्लेटें लगाई हैं और आगे पानी भी लग रहा है मज़े से, काम भी हो रहा है। अच्छा व्यूअर, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा बताता चलूँगा आपको। ये जो है ना बिजारा हम लगाते होते हैं यहाँ पर ना आम की गुटकों, या मतलब इखे इकट्ठी करके सुआ में भिगो के कलर में मिक्स करके यहाँ बिखेर के दबा देते होते हैं। जब ये पौधे आम के बड़े होते हैं ना, फिर अभी और बड़े होंगे, अभी छोटे हैं, ये बिजारा इसको कहते हैं हम आम का, अभी ये छोटे हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तकरीबन ये देखो कि 4 फुट 5 फुट के जब हो जाएंगे ना, तब इसको निकालेंगे, इसलिए इनको थोड़ा गैप गैप पे लगाया ताकि जिसकी ना दोबी कह लो या मतलब क्या आप लोग कहते हो समझ समझ आती, जिस जड़ें छड़े ना ख़राब हों। फिर 10-10 फुट के फासले पे ज़मीनों में लगाया तो फिर बाग तैयार होते हैं, और यहाँ पर हर साइड से ना आपको बाग नज़र आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सिर्फ ये 7 किले से ख़त्म किया, ये पीछे सारे बाग आम के, यहाँ पे यहाँ 10-15 घर हैं, बाकी आसपास बाग आते हैं। इस साइड पर ज़्यादातर आम के बाग है, रुल्ला वाली साइड पे, और खजूर का सही पेड़ है तो बहुत बड़ा बने हैं, जरा बाद में कटाई थी क्या? रोटी थी कटाई थी। अच्छा मतलब रोटी वोटी बना के रोटी थी अदवा थी क्या? हाँ अदवा थी थे, रंगी शापर पैक थी थे। हाँ 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 टेबल रंग यार कर रहे हैं। वाह भैया क्या बात है। देखें दोस्तों, ये भी एक महारत ही है किसी में, फट गई है। असल में आटा रस्सा नहीं, जिससे कहते हैं आटा रस जाता है फिर रोटी नहीं फटती, कमाल की पकती है, ये फिल्म आटा रस्सा नहीं है, रोटी बनाते ना कभी टूट जाती कभी कैसे। हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ का सेटअप मुकम्मल तैयार हो चुका है, खाने खिलाने की बरादरी को जगह बन चुकी है और टेबल सज चुके हैं, कपड़ा शपड़ा चेयर पर लग चुका है, माहौल आपके सामने है। ये देखें ये देखें ये देखें
जैसे जैसे मैं घूमता जा रहा हूँ आप देखते जाएं सारा बैक में, ये देखें ठीक है, ये सारा बन गया कमाल। बैक कैमरे से दिखा देता हूँ आपको, अगर उस समय मेरे साथ मज़ा ना आया देखने का, ये देखें और ये देखें ठीक है, ये ज़बरदस्त बन गया माशाल्लाह। अब इसी के साथ साथ अब जो यहाँ पे माहौल बनाया गया, अभी थोड़ी सी और सेटिंग करनी थी पर देहाती माहौल है ये, इतना काफ़ी रोटी खिलाने के लिए। अब यहाँ से बाहर निकलने की जगह देखें, ये देखें यहाँ पे जगह भी थोड़ी सी बनानी है, अगर इन्होंने बना दी तो इनकी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर ऐसे ही आएँगे। ये खुला माहौल देहात का, ज़बरदस्त माहौल आपके सामने है, ये देखें ये देखें वहाँ पर ये सारा कुछ रोटी छोटी देखें तैयार हो रही हैं। ये ऐसे हमने जंगल में मंगल लगा दिया सर। ये वीडियो देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत जो है ना यूट्यूब चैनल से कहना था कक्षा क्यों नहीं दीते, क्यों नहीं दीता घर ऐसे नींद लिखते बैठे अपने कट्ठे थे बैठे नहीं वास्ते गप शप मजाक चली पी, तुम बुरा ना महसूस करे सो मत नाराज थी बहु मुंह फेर न कराए। अच्छा दोस्तों जो है ना आज की मुकम्मल वीडियो शादी की बना, रोटी वगैरह छोटी मोटी खुशियाँ सब कुछ मैंने ऐड किया है। यहाँ पर नॉर्मल शादी की गई है और कोई ढोल ढमक्का कोई बांसुरी बीज वगैरह नहीं है, सुकून मॉल है, एक सादगी तरीके से रोटी छोटी मॉल सारी मैंने दिखा दी है। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी लगेगी और वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ठीक है। और ये मेरा आखिरी शूट है ठीक है, उसके बाद शायद कोई पॉइंट होगा तो ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। कल आपको नई वीडियो मिलेगी देखने के लिए, तो फुल वॉच कीजिएगा, आपकी सपोर्ट और आपकी जो तावन है मेरे साथ उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, हेलो आराम घुमाओ। ठीक है, ठीक है, क्या है।